चौरी चौरा की बीजेपी विधायक संगीता यादव ने अपने विधानसभा के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है ताकि कोरोना के संक्रमण की जो दूसरी तेज चेन है उसको तोड़ा जा सके। विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि लोगों की सभी प्रकार की मदद सरकार करने को तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए चौरी चौरा प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। चौरी चौरा में कोरोना के जांच के लिए कुल 4 टीमों को लगाया गया है। यहां 100 से अधिक गांव हैं। अब तक 60 से अधिक गांवों में जाकर लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इस अभियान में जांच टीम को 327 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तहसील क्षेत्र में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें सबसे अधिक मुंडेरा बाजार में कोरोना से संक्रमित लोग पाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में मतगणना और शादियों में शामिल होने के कारण संक्रमण तेजी के साथ गांवों में फैल चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव ने कहा, घर घर जाके एक एक घर में दवाई की किट दी जाएगी। जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार है उनका नाम नोट किया जाएगा और उनको गवर्नमेंट की तरफ से दवाई की किट दी जा रही है। मैं संगीता यादव विधायक चौरी चौरा अपनी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, इस संक्रमण को तोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम इस चैन को तोड़ें। सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये बाध्य नहीं किया जा रहा है किसी को। इसमें हमारी जागरूकता हो कि हम घर से तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। उतनी मदद हम सरकार की करें तभी हम मैक्सिमम लोगों की जान बचा पाएंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम।